मेंबर सिंध कौंसिल नासिर रहीम लोधी का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ईडी कराची तारिक अली नजमानी और जनरल मैनेजर सईद मासूम अली, असिस्टेंट डायरेक्टर मंजूर हुसैन और हसीब के हमरा एक अहम मीटिंग की गई। इस मीटिंग में मेंबर सिंध कौंसिल नासिर रहीम लोधी ने कुरंगी के मुख्तलिफ यूसीओ में दरपेश कचरे के मसाइल पर बातचीत की। बीच 36 लांडी में मौजूद मदरसे का भी विजिट करवाया और नूर अल बशर को ये यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द आपके मसाइल को हल किया जाएगा और मदरसे के करीब जो कचरा कंडी है इसे खत्म किया जाएगा और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए SSP कुरंगी और इलाकाई SHO से भी राबता किया जाएगा। इसके अलावा मेंबर कौंसिल नासिर रहीम लोधी ने तारिक अल नजामानी से कहा कि तमाम यूसी से डोर टू डोर कचरा उठाया जाए क्योंकि जो मेरे और आपके ईमान का आधा हिस्सा है कि सफाई नफ्स ईमान है। इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के इस मनसूबे को कामयाब बनाकर साफ सुथरा सिंध बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इस मौका पर नासिर रहीम लोधी ने यह भी कहा है कुरंगी के किसी भी यूसी में हमारी खिदमत महसूस हो तो हम हाजिर हैं।